हेलो स्टूडेंट्स बेटा लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का पार्ट थर्ड देखा था जिसमें हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में देखा ये पार्ट फोर्थ है इसमें हम आगे देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हमने क्या देखा था कि पी वी आर थर्टी टू जो आपका प्लाज्मिड है जब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इंसर्ट कराया तो इनएक्टिवेशन हुआ सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या था आपका बैम एच वन ये रेस्ट्रिक्शन साइट है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से जब कट कर देगा इस साइट पर तो क्या होगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिंक हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक होगा तो क्या होगा टेट्रासाइक्लिन साइक्लिंग यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा इसे बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंसर्शनल क्यों क्योंकि यहाँ लिंक जो आपका लिंक क्या हो रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका एलियन डीएनए है आपका डिजायरेबल जीन है इन एक्टिवेशन हो रहा है टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंट जीन का तो इस तरह से ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है अब हमने क्या देखी थी हमने तीन कंडीशन देखी थी क्या क्या तीन कंडीशन थी जब हमने इकोलाई के साथ इन प्लाजमिट को पुट किया था एक बैटरी डिस्क में तो हमें तीन कंडीशन मिली थी एक कंडीशन में हमने देखा था कि आपका रिकॉम्बिनेंट डी गया था ठीक है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया था आपका उसको हम क्या बोल रहे थे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और जिसमें आपका रिकॉम recomb, मतलब रिकॉम्बिनेंट उसको बोला जिसमें जीन भी था मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए था पूरा और सेकंड में जिसमें सिर्फ प्लाजमिट गया उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और जिसमें ना तो प्लाज्मिट आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाजमिट गया और ना ही सिंपल प्लाज्मिट गया उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो जब हमने इन तीनों इकोलाई को एक पैट्री डिस्क में फूड रखा और आपका एंटीबायोटिक डाला तो क्या कंडीशन मिली तो जब हमने एम्पिसिन एंटीबायोटिक डाली हमने एम्पिसिन एंटीबायोटिक ली ठीक है तो बेटा क्या रिजल्ट देखने को मिला एम्पिसिन एंटीबायोटिक ली तो आपने देखा था कि एम्पिसलिन जीन तो इसमें है आपका रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासाइक्लिन जीनी तो नहीं था रिकॉम्बिनेंट में एम्पिसिलिन जीन तो है तो यहाँ तो सर्वाइव करेगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव करेगा किस में आपके एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक पेट्रीडिस्क में ठीक है नेक्स्ट है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासाइक्लिन जीन तो है और आपका एम्पिसिलिन भी है इसका मतलब है आपके एम्पिसलिन एंटीबायोटिक पैटरी डिस्क में नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव करेंगे लेकिन जिसमें कोई भी प्लाज्मिड ही नहीं गया मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिन एंटीबायोटिक में सर्वाइव नहीं करेगा चलिए हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ले लेते हैं फिर हम इन इकोलाई का रिजल्ट देखते हैं तो टेट्रासाइक्लिन जीन आपके रिकॉम्बिनेंट में नहीं गया क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जगह तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया आपका एलियन जी गया जो कि आपका डिजायरेबल जीन था मींस आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं करेगा और आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव करेगा क्योंकि वहाँ पर आपका जीन नहीं है मीन्स टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन वहाँ है तो ये सर्वाइव करेगा और जिसमें कोई भी प्लाज्मे नहीं गया वो तो दोनों ही एंटीबायोटिक में सर्वाइव नहीं करेगा मीन्स आपका जो रिकॉम्बिनेंट है वो टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं करेगा सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में सर्वाइव करेगा लेकिन जो आपका एम्पिसलिन एंटीबायोटिक है उसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों सर्वाइव करेंगे चलिए अब हम एनसीआर से रीड करके देख लेते हैं इस टॉपिक को चलिए देखते हैं सो यू कैन लाइगेट यू कैन लाइगेट ए फॉरन डी एन एट बैमेज साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन साइक्लिंग जीन इन द वैक्टर पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू द रिकॉमिनेंट प्लाजमेड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन साइक्लिंग रेसिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरन डी एन ए

रिमूव हो गया आपके प्लाजमिट से और फिर आपने क्या देखा कि वो तो वहाँ से निकल गया है और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर वहाँ पर लग जाएगा तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तो आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम लोगे और एम्पिसलिन कंटेनिंग मीडियम लोगे ये दोनों एंटीबायोटिक हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा तो आप देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रा साइक्लिन तो आपने देखा था कि रिकॉम्बिनेट टेट्रा साइक्लिन में सर्वाइव नहीं कर रहे थे क्यों uh, क्यों ग्रो करेंगे वो क्यों सर्वाइव करेंगे रिकॉम्बिनेंट में तो टेट्रासाइक्लिन की जगह आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन की जगह आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया था तो वहाँ तो ऑबियसि बात है कि टेट्रा साइक्लिन एंटीबायोटिक में रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव नहीं करेगा लेकिन एम्बिसिन में रिकॉम्बिनेट सर्वाइव करेगा ठीक है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक हमने क्या देखा था नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट देखाबीट जिसमें आपका जीन भी नहीं गया तो टेट्रासाइक्लिन जीन भी उसमें रहेगा और एम्पीसलिन रेसिस्टेंस जीन दोनों रहेंगे तो ये दोनों ही इन दोनों एंटीबायोटिक में सर्वाइव कर सकते हैं जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों एंटीबायोटिक में सर्वाइव कर रहा है लेकिन रिकॉम्बिनेंट सिर्फ एम्पीसलिन में ही सर्वाइव करेगा ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेट ड्यू टू इंस ऑफ एलियन डी एन ए एंडल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस तो हमने देखा कि किस तरह से जो आपका जीन है उसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो रहा था किसकी वजह से इंसर्शन की वजह से किसके इंसर्शन की वजह से डी एलियन डी डी एन ए मीन्स जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं अपना सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हम अपना रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन इस तरह से कर पा रहे थे अब इसी में आगे देखते हैं सो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इन एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बर सोम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स तो ये जो आपने क्या किया ये जो आपका एंटीबायोटिक का मतलब कि इस तरह से जो ये प्रोसीजर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ठीक है और साइमल्टेनियस प्लेटिंग हो रही है इसमें टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक मीन्स पहले हमने एमपिसन ली फिर टेट्रासाइक्लिन तो साइमल्टेनियस ही प्रोसेस चल रहा है और कम्बरसोम प्रोसीजर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस दे फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टिवल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेंस तो इसमें हम क्या देखते हैं अब इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल है चलिए पहले हम एग्जाम्पल्स इसको हम खुद से समझते हैं फिर एन सी आर टी से रीड करेंगे तो जिस तरह से हमने देखा कि आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था एक डीएनए से वैसे ही हमारे पास एक जीन है ठीक है एक जीन है डीएनए के पास जिसमें हम क्या देखते हैं ये जीन का नाम है फॉर एग्जांपल लैक जेड जीन है ये ठीक है ये क्या कोड कर रहा है ये आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड कर रहा है ठीक है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को ये कोड कर रहा है अब ये एंजाइम का क्या फंक्शन है इस एंजाइम का फंक्शन है ये ब्लू कलर देता है हमें क्या देता है ब्लू कलर तो ये एंजाइम ब्लू कलर देता है ठीक है मीन्स ये जीन के पास ये काबिलियत है कि इससे हमें ब्लू कलर मिल जाएगा अगर ये जीन प्रेजेंट होगा तो ब्लू कलर शो होगा तो हम क्या करते हैं ये जो हमने जीन लिया है ये प्लाजमेट के अंदर मर्ज करवा देते हैं मतलब प्लाजमेट के अंदर ये जीन है जो कि ब्लू कलर शो करता है ठीक है तो ये प्लाजमेट के अंदर आपका जीन प्रेजेंट है ठीक है जो जिसकी वजह से ब्लू कलर आपका आता है तो अब हम क्या करेंगे वही सेम प्रोसेस करेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे इकोलाई लेंगे फिर उसको इसमें इंजेक्ट करवा देंगे तो हम क्या देखते हैं कि कुछ में आपका ये प्लाज्मिड जाएगा कुछ में नहीं जाएगा तो सीधी सिंपल बात है यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है किस साइट में ये जीन प्रेजेंट है आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट में जब ये जीन प्रेजेंट है तो यहाँ आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे तो यहाँ से ये जो लेग जेड जीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा ठीक है सेम वैसे जैसे हमने ट्रेटर साइक् रेसिस्टेंस जीन देखा था कि वहाँ से वो रिमूव हो रहा है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक करवाने से तो वैसे ही सेम ये आपका जीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक कराने से ठीक है तो आप क्या देखते हैं जब यहाँ से जीन हट गया तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगी आपको क्या कंडीशन मिलेंगी चलिए देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके दो इकोलाई हैं ठीक है, है बेटा दो इकोलाई e. हैं एक में आप क्या देखेंगे कि ये जो है वो गया तो ब्लू कलर देखने को मिला और ये दूसरा प्लाज्मेड है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो रिकॉम्बिनेंट जो होगा रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका रिकॉम्बिनेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा बेटा जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया तो ऑब्वियस बात है ब्लू कलर आएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्योंकि वहाँ पर लैक जेड प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ पर आपका डिज़ायरेबल जीन इंजेक्ट ही नहीं हुआ जब डिज़ायरेबल जीन इंजेक्ट नहीं हुआ मीन्स ब्लू कलर शो करेगी ये कॉलाई आपका ये कॉलोनीज और जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका पहुँच गया वहाँ पर ब्लू कलर शो नहीं होगा तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अपना रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से तो ये प्रोसेस ही आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन

प्लाजे में तो क्या होगा ब्लू कलर शो होगा प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन टू इंसर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ द बीटा जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर और जब इंसर्शनल इन एक्टिवेशन हो जाएगा तो बेटा क्या होगा वहाँ पर ब्लू कलर आपका शो नहीं होगा वहाँ पर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी कॉलोनीज दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है तो प्लांट और एनिमल जो है आपका प्लांट और एनिमल सेल में हम किस तरह से जो क्लोनिंग करवाएंगे जीन की उसके लिए हम कैसा वेक्टर यूज़ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है चलिए पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में आपका कौन सा वेक्टर यूज़ होता है प्लांट्स में आपके बैक्टीरिया का वेक्टर यूज़ होता है ठीक है बैक्टीरिया का वेक्टर मतलब बैक्टीरिया में जो प्लाजमेट होता है वो आपका यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर ठीक है और बैक्टीरिया का नाम क्या है बैक्टीरिया का नाम है आपका एग्रोबैक्टीरियम बैक्टेरियम ट्यूमिफिशंस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में मिलता है ठीक है बेटा तो इसका जो प्लाज्मेड है वो आपके प्लांट में यूज़ होता है एज ए वेक्टर लेकिन एनिमल सेल में एज ए वेक्टर यूज़ किया जाता है आपका वायरस और कौन सा वायरस मोस्टली आपका रेट्रो वायरस यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर ऐसा क्यों ऐसा ख्याल क्यों आया तो देखने को मिला कि प्लांट जो होते हैं उनमें चोट लग जाती है किसी वजह से वुंड क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन कर देते हैं मींस ये जो आपके प्लांट हैं अगर इनमें वुंड हो गया कोई चोट वगैरह लग गई तो कुछ ऐसे सब्सटेंस यहाँ से रिलीज़ होगा जिस जो अट्रैक्ट कराएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस बैक्टीरिया को और वो इसमें जाके आपके बेक्टर... प्लांट में जाके इन्फेक्शन करेंगे और इसमें क्रोन क्रोन गोल डिसीज हो जाएगा इसको बोलते हैं हम ट्यूमर प्लांट में ट्यूमर बन जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है प्लांट में ट्यूमर क्यों बन रहे हैं क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस में एक ऐसा प्लाज्मेट है जिसे हम टी आई कहते हैं और ये टी आई क्या करता है ये जो आपका टी आई है इसके अंदर एक टी डी एन ए होता है और ये टी डी एन ए क्या करता है टी डी एन ए जो होता है आपका इसके अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट में सेल डिवीजन करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल टी डी एन ए में आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले जीन देखने को मिलते हैं ठीक है बेटा तो ये जीन क्या करते हैं ये जो जीन है ये सेल डिवीजन को करवाएंगे सेल लॉन्गेशन को करवाएंगे इससे आपका ट्यूमर बन जाएगा प्लांट सेल में मतलब आपके प्लांट में तो इस तरह से ह्यूमन ने फिर अपने वेलफेयर के लिए इस मेथड को यूज़ किया ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्या किया टी डी एन ए से ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जीन को निकाल दिया और अपना डिज़ायरेबल जीन डाल दिया इस तरह से हम प्लांट में अपना डिज़ायरेबल जीन की क्लोनिंग करवा सकते हैं वैसे ही एनिमल सेल में देखने को मिला कि जो रेट्रोवायरस है वो कैंसर प्रोड्यूस करवाता है तो फिर इस रेट्रोवायरस को कैसे यूज़ किया इसको डाइसाम्ड मतलब इसको डाई डिसाम्ड या फिर डाइसाम्ड इसको बोलते हैं इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है आपके वायरस को और फिर अपने डिजायरेबल जो जीन है वो उसमें डाल दिया जाता है और वो एनिमल सेल में जाके क्लोनिंग करने लगता है अपनी कॉपी बनाने लगता है और जो ये कॉपी बना रहा है उसमें आपका डिज़ायरेबल जीन है तो इससे हमारा बेनिफिट हो जाता है तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है चलिए एक बार रीड करके पढ़ लेते हैं वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एनिमल्स और प्लांट में जो क्लोनिंग जीन्स के लिए आप कैसे वैक्टर को यूज़ कर रहे हो उन वैक्टर की बात चल रही है यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस विच हैव नॉन दिस हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यू कैड सेल एंड फोर्स दैम टू डू वॉट द बैक्टीरिया और वायरस वॉन्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है सो एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिशोजन डाइकोड प्लाट तो ये डाइकोड प्लांट में क्या करता है अपना जो टी डी एन ए है वो ट्रांसफर करवाता है जिससे किसमें ट्यूमर होता है ठीक है तो मोस्टली आपके डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है कि एग्रोबैक्टेरियम टूमिफिशंस ट्यूमर करवाता है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम क्रॉन गोल्ड डिसीज कहते हैं और सिमिलरली रेट्रोवायरस एनिमल सेल में क्या करता है कैंसर फॉर्म कराता है सो ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म टूल्स ऑफ इनटू यूजफुल वेक्टर्स फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन तो ह्यूमन के इंटरेस्ट के जो भी जीन्स हैं वो डिलीवर कर सकते हैं हम अपने काम के लिए अपना जो भी डिजायरेबल हम प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं सो दूमनोबेटेमिंग वैक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लान बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेराइटी वेराइटी ऑफ प्लाट सो प्लाट की वैरायटी मतलब अगर हमें उसको कुछ अच्छा करना है प्लांट में तो हम अपने इंटरेस्ट का जो जीन है वो डिलीवर करवा देते हैं एक्टोबैक्टेरियम टू फिशंस जो है उसका प्लाजमेट को यूज करके ठीक है वैसे ही सिमिलरली डेट्रो वायरस हैव ऑल्सो बिन टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इन टू एनिमल सेल सो वंस ए जीन और ए डी एन ए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इन टू ए सुटेबल वैक्टर इट इज ट्रांसफर्ड इन टू ए बैक्टेरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाइस ठीक है तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से एनिमल सेल में हम रेट्रोवायरस को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमारा इंटरेस्ट जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें इंजेक्ट करा देते हैं और फिर प्लांट सेल में वो अपनी कॉपी बना लेता है इसी तरह से प्लांट के अंदर होता है